हेलो भाई, आप सभी को समाज शास्त्र के इस क्लास में पुनः आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अब हम आपको आज इस बी ए रणवीर थर्ड सेमेस्टर में जो आपका पेपर है समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, जिसमें पेपर का नाम है सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन, सोशल कंट्रोल एवं सोशल चेंज, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। इस पेपर के नाम से ही आप समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमको जानना चाहिए। इसमें हमको सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में हमको जानना है, जिसमें हम इस बात को देखेंगे कि अभी तो आपने देखा कि इसकी शुरुआत में कि सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है। अब हम आपको यहाँ बताने आपको हम जो है कि इस व्याख्यान के माध्यम से सोशियोलाइजेशन सामाजिकरण की चर्चा करेंगे। सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण का अर्थ एवं सामाजिकरण की परिभाषा, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण का अर्थ एवं सामाजिकरण की परिभाषा बताएंगे। इसके पहले हम आपको समाज, आपको कहने की जरूरत नहीं, समाज आप जान रहे हैं, मनुष्य का एक दूसरे का एक चीज संबंध को समाज कहते हैं। और सामाजिकरण क्या है, मनुष्य जो है व्यक्ति अपने आदर्शों को, अपने प्रतिमानों को, मूल्यों को और गुणों को, सद्विचारों को, सद्व्यवहारों को सीखने की पद्धति द्वारा, समाज की व्यवस्था को सीखने की पद्धति को हम सामाजिकरण कहते हैं, सोशियोलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में ही रह करके अपने जीवन के सर्वांगीण विकास को कर सकता है। और जैसा कि ये भी सत्य रहा है कि प्राचीन समय से ये अवधारणा आदर्श रहा है कि बच्चा जब जन्म से पैदा होता है तो वह न तो वह सामाजिक होता है, न असामाजिक होता है, न समाज विरोधी होता है। अर्थात व्यक्ति जन्म से न तो सामाजिक होता है, न तो असामाजिक होता है और न ही समाज विरोधी होता है। बच्चा जन्म के समय केवल रक्त, मांस एवं हड्डी का एक पुतला समान होता है, तो उसमें उसको नहीं कहा जा सकता है कि अपराध की परिभाषा के अंतर्गत हम देखते हैं तो कई अपराध शास्त्रियों ने कहा कि व्यक्ति जो है कि मतलब जन्म से अपराधी होते हैं, लम्बरसो गोरे ने कहा, लेकिन ये बात गलत है। जन्म से अपराधी नहीं होती है, वर्तमान जो इन्वायरमेंटल होता है, वहाँ का जो पर्यावरण होता है, वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं, जलवायु जो होती है, वहाँ कंडीशन जो होती है, वह व्यक्ति को मतलब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर अपराधी बनाती है तो अपराधी बनाएगा, अच्छा व्यक्ति बनाएगा तो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। जन्म से सभी व्यक्तियों की बुद्धि विवेक एक समान होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब बहुत ऊँची सोसाइटी का व्यक्ति है बहुत विद्वान है, बहुत निम्न सोसाइटी का है तो बहुत कमजोर है। जन्म से तो समान है, लेकिन उसको सामाजिक परिस्थितियों में, सामाजिक मूल्यों में नहीं डाला गया है, वह सामाजिक अवसर नहीं दिया गया। जैसे उच्च शिक्षा, सामान्य शिक्षा, अब जैसे शिक्षा की आप बात देखते हैं कि जो नहीं पढ़ लिख रहा है जो बच्चा, जो उसको जो है कि कक्षा पाँच तक उसको जो है कि कटोरा लेकर के और बड़ा झोला लेकर के ही विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में जाकर वह क्या क्या पढ़ लेगा, और कक्षा पाँच तक जो बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखता है, पूरी चीज़ को जान जाता है, दुनिया कहाँ है, देश विदेश में कितने, दुनिया में कितने महासागर हैं, कितने जो है कि मतलब महाद्वीप हैं, कितने जो है कि देश हैं, ये सारी चीज़ों को जान जाता है। अच्छी शिक्षा, अच्छी परिपक्वता, अच्छी जो है कि लर्निंग द्वारा, अच्छे सीख द्वारा, लेकिन वही बच्चा नहीं समझ पाता है जो जिसकी बुद्धि और जिसका जो है कि अवसर, सीखने का जो अवसर है वो नहीं मिल पाता है। इस तरह से उसी को हम सामाजिकरण कहते हैं। अब सामाजिकरण की जो परिभाषाएं हैं, सामाजिकरण का अर्थ है उसको हम देखते हैं। जैसे सामाजिकरण से तात्पर्य है, सामाजिकरण समाज की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सांस्कृतिक व्यवहारों को समाज से सीखता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहारों को समाज द्वारा अपने को सीखने की जो प्रक्रिया, सामाजिकरण कहते हैं। अब सामाजिकरण की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिसमें ग्रीन महोदय ने अपनी परिभाषा दिया है। ग्रीन महोदय की परिभाषा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा
सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक क्या करता है, बालक एक सांस्कृतिक विशेषताओं का आत्मपन करता है, सेल्फ जो है कि वह जो है कि होल्ड करता है, अपने को लेता है परिवार से, अपने मतलब परिवार समाज का प्रथम जो है कि बताया गया है कि परिवार जो है कि बालक के लिए समाज का प्रथम जो है कि सीखने की पद्धति होती है। तो सामाजिकरण भी यही है। सामाजिकरण कहता है कि सामाजिकरण बालक की वह प्रक्रिया है जो वह अपने सांस्कृतिक व्यवहारों को सीखता है। इसी को इसका अर्थ इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिकरण के द्वारा बच्चा संस्कृत की विशेषताओं को सीखता है और उसके अनुसार अपने आचरण को ढालता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। कोई बच्चा पैदा होता है, जब बालक है 3 साल तक है 5 साल तक है, तो सामाजिकरण उसके लिए क्या है, सामाजिकरण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा बच्चा उन आदर्शों को अपने व्यक्तित्व को विकास में सीखता है। गिलिंग्स के अनुसार लिखा है, गिलिंग्स ने कहा है, सामाजिकरण से हमारा तात्पर्य है जिसके द्वारा समूह की में एक क्रियाशील सदस्य बनाता है। समूह की क्रिया विधियों के समन्वय के स्थापित करता है जिसमें परंपराओं को ध्यान में रखकर सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल करता है तथा अपने साथी के प्रति सहानुभूति का भावना का विकास करता है, उसे सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य होगा, सामाजिकरण से तात्पर्य वह प्रक्रिया से है जिसके द्वारा बालक जो क्या करता है कि वह अपने जो है कि अपने व्यवस्थाओं को, अपने साथी संगतियों को, अपने समूहों के माध्यम से जो चीज़ों को सीखता है वो सामाजिकरण है। अब परिभाषा हम देखते हैं जॉनसन के अनुसार। जॉनसन ने कहा है कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने द्वारा बालकों को सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने योग्य बना देती है। सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो बालक को सीखने द्वारा, लर्निंग द्वारा सामाजिकरण की भूमिका में ढालती, वही सामाजिकरण है। अर्थात सामाजिकरण से तात्पर्य है कि बालक अपने परिवार तथा आसपास के परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ें सीखकर सामाजिक व्यवस्था में आता है वही सामाजिकरण है। अब इस प्रकार से उपयुक्त परिभाषा से हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज की क्रियाशील समाज में वह क्रियाशील सदस्य बन जाता है। अर्थात सामाजिकरण से तात्पर्य है, सामाजिकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज के आदर्शों, मूल्यों, प्रतिमानों को सीखता है और सीखने के द्वारा वह जो है समाज के आदर्श को स्थापित करता है, वही सामाजिकरण है। अब हम सामाजिकरण की विशेषता देखते हैं। सामाजिकरण क्या परिभाषा विशेषता है, सामाजिकरण विशेषता में दो मिनट रुकिए। सामाजिकरण विशेषता से क्या तात्पर्य है, सीखने की प्रक्रिया, सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। 10 मिनट रुकिए तो बताते हैं। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिकरण सीखने प्रक्रिया तात्पर्य है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सारी चीजों को सीखे। जो समाज के आदर्श हैं, समाज के मूल्य हैं, समाज के जो मतलब जो उचित हैं, उन्हीं चीजों को वह सीखता है। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि समाज में जो भी है सबको सीखेगा, चोरी है चोरी को नहीं सीखेगा, और मतलब तमाम चीज़ें हैं जैसे चोरी है या अनुचित व्यवहार है या इन चीज़ों को सामाजिकरण में वह नहीं सीखता, बल्कि सामाजिकरण में उच्च आदर्शों, परिवार के, समाज के, विद्यालय के, अपने से बड़ों के उच्च आदर्शों और मानकों को जो सीखने की प्रक्रिया है वह सामाजिकरण है, उसकी विशेषता है। ठीक, दूसरी विशेषता है सामाजिकरण की, दूसरी विशेषता आचरण प्रक्रिया है।
सामाजिकरण की दूसरी विशेषता आजन प्रक्रिया है। आजन आजन प्रक्रिया से तात्पर्य है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है, वही समाजीकरण है। जैसे अब जब बालक है वो 3 साल तक का है, 3 साल तक का है तो वो कुछ चीजें सीखेगा, 5 साल तक है कुछ चीजें सीखेगा, प्रौढ़ावस्था में हो गया है तो वह समाज के मूल्यों को सीखेगा, सामाजिक दायित्वों को समझेगा, वृद्धावस्था में हो गया है तो अपने वृद्धावस्था का जो दायित्व है, जो परिवार के प्रति जो दायित्व है, समाज के प्रति जो दायित्व है, वह उन दायित्वों को सीखेगा। इस तरह से सामाजिकरण ये क्या है, लॉन्ग लाइफ प्रोसीजर है, लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम देखते हैं अब जैसे हम इस प्रक्रिया में देखते हैं कि बचपन में पुत्र है, भाई है आदि के रूप में है, बड़ा होगा युवा अवस्था में होगा तो पिता बनेगा, किसी का पति बनेगा, व्यवसायी बनेगा, संगठन का पदाधिकारी बनेगा, आदि बनेगा, और दादा परदादा बाद में वो दादा बनेगा, आज सभी चीज़ों को वह जो है सीखता है। इस प्रकार सब कह सकते हैं सामाजिकरण से तात्पर्य है कि वह जो आजम सीखा, जैसे आप हैं हम हैं पहले नहीं सीखते थे, आज आप सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं, व्यक्ति पर प्रतिदिन कुछ नई नई चीज़ों को सीखता है, उसी को हम कहते हैं सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। तीसरा है समय और स्थान के सापेक्ष सामाजिकरण की विशेषता होती है, हर समाज की विशेषता, हर सामाजिकरण की विशेषता समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है, समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। जैसे सामाजिकरण के अंतर्गत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा में रहने की व्यवस्था थी, घूंघटा चल की व्यवस्था थी, लेकिन अब धीरे धीरे वह व्यवस्था धीरे धीरे बदल गया, व्यक्ति को अपने जाति एवं जात के अनुसार खान पान परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं रह गए। पहले व्यवस्था था लेकिन अब नहीं रह गया, पहले टाट पहन के लोग खाते थे लेकिन आज जो व्यवस्था बदल गई है अब देख रहे हैं। अब पहले की व्यवस्था में क्या था कि पहले जो है कि बालक को जो प्रणाम करना सिखाया जाता था उसको जो है कि पैर पकड़ता था, लेकिन आज जो है आज की व्यवस्था है गुड मॉर्निंग है, टाटा है, हेलो है, बाय बाय है, गुड नाइट है, ओके है, ये आज व्यवस्थाएँ हैं। मतलब ये हमें ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण की जो विशेषता है स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक, चौथी विशेषता हम देखते हैं कि संस्कृत का आत्मसात करने की प्रक्रिया है, सामाजिकरण अपनी संस्कृत को आत्मसात, अपनी संस्कृत को क्या करता है, कल्चर को एक्सेप्टेड करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा एक व्यक्ति संस्कृत मूल्यों को मानकों को सामाजिक स्वीकृति व्यवहारों को सीखता है तथा संस्कृत के भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का आत्मसात करता है, धीरे धीरे संस्कृत व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। अब संस्कृत से क्या तात्पर्य, संस्कृत से तात्पर्य सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत इज ओनली नॉट ए सब्जेक्ट बट संस्कृत इज द ये हमारा जो है कल्चर, हमारा जो है कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा आदर्श मूल्य, हमारे जो है कि शिष्टाचार, हमारे संस्कार, हमारे व्यवहार, ये सभी क्या है, संस्कृत है। ये संस्कृत से मतलब विशेष नहीं, संस्कृत मतलब है हमारा जो आदर्श, हमारा जो मूल्य है, हमारा जो दायित्व है, परिवार के प्रति दायित्व, समाज के प्रति दायित्व, अपने आदर्शों के प्रति दायित्व, जो दायित्व है उन दायित्वों का निर्वहन करना संस्कृत है। पांचवा हम देखते हैं समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है, समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है, इसको हारा लाम्ब्रोस ने सामाजिकरण के अभाव में कोई भी मनुष्य समाज का एक सदस्य नहीं बन सकता। इन्होंने कहा कि सामाजिकरण जो है, इस प्रकार से पुराने शास्त्री ने स्पष्ट किया है कि सामाजिकरण व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत एक समाज का क्रियाशील सदस्य बना देती है। क्रियाशील सदस्य बनाने का मतलब है सामाजिकरण द्वारा कि जिस परिवार का व्यक्ति जिस समाज का उसी समाज का बन जाएगा, उसी सामाजिकरण बन जाएगा। शिक्षित समाज का है, शिक्षित समाज का है तो वहाँ बन जाएगा, नेता समाज का परिवार का व्यक्ति है तो निश्चित रूप से उसके गुण आएंगे। और जैसे और ऐसा तो नहीं होता है लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है जैसे कि जैसी संगत रहेगी, जैसे स्वभाव रहेगा उसी ढंग से वो बनेगा, संगत स्वभाव वो आप पानी में तैरें कहावत जो है, तो
जैसी संगत रहेगी उस संगत के अनुसार वह स्वभाव के अनुसार वह हो जाता है। आत्मविकास, ये आत्मविकास करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये सामाजिकरण आत्मविकास करता है। आत्मविकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति जो है समाज के प्रति जागरूकता पैदा करता है, आत्मविश्वास करता है। संस्कृत का हस्तांतरण होता है, सामाजिकरण में संस्कृत का हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, बंद करते हैं, संस्कृत का हस्तांतरण कर देता है, इस संस्कृत को उस मतलब अपनी व्यवस्था को दूसरे मतलब अंतरित करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण जो व्यवस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है सामाजिक व्यवस्थाओं को सीखता है, समाज की जो मूल्य हैं, समाज जो व्यवस्थाएँ हैं, वह सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप जो सीखने की प्रक्रिया, वही सामाजिकरण है। थैंक यू आपको।